और ये देखिए इधर पापा की परिया सब गुपचुप खा रही है। हेलो गाइस, रहा नहीं जाता। तो गाइस मैं अपनी बीवी से तलाक लेना चाहता हूँ क्योंकि मुझे डेली बर्तन धुलवाती है। तो गाइस आज एक लड़की को प्रपोज मारे कलुआ बोल कर चल गई। दोस्तों यहाँ पर मम्मी और पापा यहाँ पर हैं खेत में, तो चलिए इन लोग से परमिशन ले लेते हैं, उसको फिर निकलते हैं। अभी देखिए पिताजी हैं। दोस्तों यहीं पर काम कर रहे थे मेरे मम्मी पापा, ये देखिए पिताजी बैठे हैं और मम्मी मुंह दुकान धो रही है। रवि 11 बजा है, रवि से खाना नहीं खाए। हम लोग बोले थे खाना लाने के लिए लेकिन हमें नहीं ला दिए थे। चलिए अभी चलते हैं और थोड़ा पैर छू लेते हैं। तो चलिए अभी चलते हैं। जा रहे हैं मम्मी? जा रहे हैं पिताजी? ये फर्क नहीं पड़ता कि वो कितनी पढ़ी लिखी है, बस वो मेरी माँ है, मेरे लिए सबसे बड़ी है। देखिए मगंदर भैया यहाँ पर बैठे हुए हैं, हम लोग का सामान देखिए कितना सामान लेते जा रहे हैं। हजारीबाग और एक तो बैग इधर लटकल है और एक तो झोला उधर लटकल है। देखिए और एक तो मेरा पीछे में एक तो बैग है, कैमरा बैग। देखिए चलिए अभी चलते हैं गाड़ी में बैठ के। फाइनली दोस्तों अभी हम पहुंच चुके हैं हजारीबाग और मेरा जो दोस्त था वो इतना लेट करवाया और तीन जगह खड़ा होने के लिए हमको बोला था, उस जगह ये देखकर चौबीस बचा रहा था, मतलब कि अंडा रोल बन रहा था और चलाने लोग खाने का भी पूरा मन कर रहा था। जाते तो रात का ब्लॉग बहुत ही मस्त होने वाला है। आप लोगों से दोस्तों अभी हम लोग जा रहे हैं यहाँ से। गाइस मेरा भी तो मन करता है कि बहुत जोर से तालियां बजाए और तालियों के बीच में मेरी गर्लफ्रेंड का सर होना चाहिए। चलिए अभी दिखाते हैं पापा के परियों को। तो गाइस यहाँ से अभी रिएक्शन ब्लॉग बना रहे थे तो मेरा आवाज़ तो कैमरा में हल्का हल्का आता है और मेरा आवाज़ फिर लड़कियों तक बहुत कम ही आता है, तो इसीलिए सोच रहे फिर दूसरा ब्लॉग बनाए। और जब मेरा आवाज़ ही आप लोगों तक नहीं पहुंचेगा और मेरा आवाज़ लड़कियों तक भी नहीं पहुंचेगा तो फिर रिएक्शन भी बढ़िया नहीं आएगा। और ये देखिए मेरे पीछे जा रहे पापा के परिया सब और इधर भी एक तो है। तो गाइस आज एक लड़की को प्रपोज मारे कलुआ बोल कर चल गए। ये दुख का खत्म नहीं होता बे। तो गाइस मैं अपनी बीवी से तलाक लेना चाहता हूँ क्योंकि मुझे डेली बर्तन धुलवाती है। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। और एक नई बीवी लेना चाहता हूँ वो भी फ्री में। सो गाइस मैं अपनी बीवी से तलाक लेना चाहता हूँ क्योंकि वो मुझे डेली बर्तन मंजवाती है और एक नई बीवी लेना चाहता हूँ क्योंकि वो मेरा ख्याल रख सके। और अभी जा रहे हैं इधर घूमने और देखते हैं फिर इधर। और इधर देखिए गाइस रोड में पहुंच चुके हैं और अंकल जी आ गए इधर से और अभी कहीं हमको जाना नहीं है और कहाँ जाना है। और इधर देखिए गुपचुप गुपचुप सब इधर मिल रहा है, अंकल साहब इनके सब इधर हैं, घंटी बजा रहे हैं। तो चलिए फिर इधर पीछे जाते हैं और फिर इधर और पापा की परियाँ उड़ते उड़ते जा रही है मेरे पीछे से। और अभी जा रहे हैं गाइस पतलून लेने, लोगों को दिखाते हैं। तो चलिए अभी चलते हैं। और गाइस अभी ट्यूशन से घर जा रहे हैं और ट्यूशन के टाइम एक लड़की को प्रपोज किए वो कलुआ बोल के चल गए इस साल ही। और गाइस आज का ब्लॉग सही से बना नहीं इसीलिए जा रहे हैं दारू पीने और आ गए हैं रोड जगना बना रहे हैं, आपको आवाज़ आता होगा। और देखते हैं अभी और यहाँ पर बहुत गाड़ी तक पूरा आ रहा है। और अभी बीच रोड के बीचों बीच में है और जा रहे हैं अभी दारू पीने। और ये देखिए गाइस चखना लेने आए हैं हम। चलिए भैया चखना लीजिए और उसके बाद अभी चखना उखना ले लेते हैं, उसके बाद फिर चलते हैं घर। और इधर पापा की ये सब पापा की परियां हैं। और ये देखिए गाइस चखना का वैरायटी क्या क्या है, सब इधर से निकल रहा है, कैसे कैसे बनता है पता नहीं, देखिए इधर से भून भून के रखा हुआ है इधर।
और यहाँ पर हो रहा है। चावल कम दीजिएगा। अच्छा, वो सब देने के बाद वहाँ पर घूमना पड़ता है, वो देखिए उधर। ये देखिए इधर घूमते हैं बढ़िया से। और गाइस यहाँ से ले लिए हैं, गाइस ये देखिए सतना ले लिए हैं और बका भैया पूरा मार रहे हैं। ये देखिए और अभी जा रहे हैं घर, वो मतलब घर नहीं रूम, चलिए फिर मिलते हैं। और दोस्तों वहाँ से आने के बाद हम लोग जा रहे हैं और इन लोगों को गुपचुप खाने का मन कर रहा है, इसीलिए जा रहे हैं गुपचुप खाने। ये देखिए यहाँ पर सब लाइन भी लगा हुआ है, अभी देखते हैं कितना देर लाइन लगना पड़ता है। गुपचुप खाते हैं और ये देखिए इधर पापा की परिया सब गुपचुप खा रही है। हेलो गाइस, रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। और गुपचुप का पैसा मगेंद्र भैया देंगे। मगेंद्र भैया दे दीजिए। हाँ, ये गरीब खुद है भाई, देख लो आएगी खिलाएगा गुपचुप। इसके पास पैसा होगा भाई, हम खिला देंगे भाई। मेरे पास पैसा नहीं है गाइस, इसलिए नीलेश भैया देगा ना भैया। मेरा तरफ से फ्री। अरे भाई सच सच बोलो ना भाई। और गाइस हम लोग तीनों का गुपचुप खाने का मन है, लेकिन तीनों के पास पैसे नहीं है। चलते हैं रूम और भूंजा खाते हैं। चलो, पैसा नहीं है तो कहाँ लाता है, दिमाग खराब कर ले रहा था। देखिए लड़की के सामने बेइज्जती हो गया है तीनों। और आज का पता नहीं किस्मत क्या है मेरा, सही से रिएक्शन नहीं मिल रहा है। जहाँ रिएक्शन मिल रहा है वहाँ पर इतना क्राउड हो रहा है, इतना आवाज़ आ रहा है, तो बहुत ही दिक्कत हो रहा है। और फाइनली दोस्तों अभी हम लोग रूम पहुँच चुके हैं और बगा भैया इतना भुक्कड़ है, आधा ही ज़्यादा खा के, ये देखिए आधा ज़्यादा खा के ख़त्म कर दिया है। और हम लोग अभी सेब ढोक रहे हैं। तो चलिए अभी हम लोग रूम जाते हैं और फिर कपड़ा वपड़ा चेंज भी करना है और फ्रेश भी होना है। तो थोड़ा ढूंढना भी है, कल इसका बर्थडे है। हाँ भाई, मारना है, तगड़ा हो तो गाइस इसका बर्थडे है कल मेरा, लेकिन कल बर्थडे है, लेकिन खर्चा कल तो बोल रहा है कि नहीं है। चलिए अभी रूम जाते हैं और आज का ब्लॉग यहीं तक रखते हैं। और उम्मीद करता हूँ कि आज का ब्लॉग आप लोग को पसंद आया होगा। अगर यदि आज का ब्लॉग आप लोग को पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए।